नेक्स्ट में सेशन जस्ट क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग रिवर्स ऑपरेशन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है कॉल्ड एज strrev, लेकिन इस केस में जस्ट क्रिएट किया करना सिमिलर फंक्शन एज अ यूजर डिफाइंड। strrev फंक्शन का वर्किंग क्या, गिवन स्ट्रिंग के कंटेंट्स को रिवर्स कराना। फॉर एग्जांपल अगर आपने strrev फंक्शन में रिटर्न असाइन किया कराया है सम स्ट्रिंग एज ए बी सी, क्लियर, देन जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ है कॉलिंग प्लेस पर जस्ट रिटर्न क्या करेगा, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ गिवन स्ट्रिंग सी बी ए। इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में जस्ट मैं आपको कुछ बेसिक ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट वन, इस फंक्शन के इसमें आर्गुमेंट क्या रिक्वायर्ड, ओनली सिंगल स्ट्रिंग, प्लस इससे रिटर्न क्या हुआ, अगेन सेम स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑर्डर, क्लियर। इससे रिटर्न क्या हुआ, मिस अगर सपोज इस स्ट्रिंग का एड्रेस 100 है, स्ट्रिंग के ओरिजिनल कंटेंट रिवर्स होने के बाद अगेन ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, सेम स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप भी, मिस आर्गुमेंट टाइप क्या है कैर स्टार, और रिटर्न टाइप भी क्या यूज करेंगे ऑल्सो कैर स्टार, क्लियर। सबसे पहले मैं इसके लॉजिक्स इंप्लीमेंट करा रहा हूँ, लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करने के जस्ट बाद मैं प्रोवाइड करूंगा सोर्स कोड। लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्ट्रिंग टाइप का कोई एरे अवेलेबल है लाइक दैट, इस एरे कंटेन्स 6 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग नल, अगर इसे स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग के अंदर मैंने सप्लाई किया जस्ट ए बी कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी कैरेक्टर सी डी एंड कैरेक्टर ई फाइनली नल, अगर इसे एरे का नेम ए है देन इसके इंडेक्सेस क्या होंगे ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री फोर एंड फाइव। जस्ट रिवर्स करने का सिंपल लॉजिक है, आपको कोई भी मीन्स इस स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा सेपरेट स्ट्रिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं, मीन्स सेम मेमोरी लोकेशन में स्ट्रिंग के कंटेंट्स को रिवर्स करना पॉसिबल है। जस्ट लॉजिकली बात करें, करंटली स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड किया एज ए बी सी डी ई प्लस नल, आपको कोई विजिबल नहीं हुआ। जैसे ही स्ट्रिंग रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो रिवर्स ऑपरेशन के बाद स्ट्रिंग के कंटेंट्स क्या होना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए ई, मीन्स ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा E, सिमिलरली E के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा A, क्लियर। जो कैरेक्टर फर्स्ट पोजिशन में अवेलेबल वो कहाँ सेंड होगा, लास्ट पोजिशन, और जो लास्ट में अवेलेबल वो कहाँ सेंड होगा, बिगिनिंग पोजिशन, सेम एज नेक्स्ट टाइम B, B किससे रिप्लेस होगा जस्ट D से, E के जस्ट बाद नेक्स्ट, E के जस्ट बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या D, तो नेक्स्ट टाइम क्या D प्लस लास्ट कैरेक्टर है तो A से जस्ट पहले कौन सेंड होगा, D के प्लेस, D का प्लेस कौन ले लेगा जस्ट कैरेक्टर बी, देन सी इट सेल्फ रिवर्स करने की जरूरत है क्या नहीं, सी के प्लेस पर क्या रहेगा जस्ट सी, मीन दिस द स्ट्रिंग कंटेंट्स आफ्टर अप्लाइंग रिवर्स ऑपरेशन, मीन्स फाइनली आपको इस केस में परफॉर्म क्या कराना इंटरचेंज, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर रिप्लेस किससे होगा लास्ट से, और लास्ट कैरेक्टर किससे रिप्लेस करा हुआ है फर्स्ट से, सेम है सेकेंड एलिमेंट रिप्लेस किससे होगा सेकेंड लास्ट से, और सेकेंड लास्ट एलिमेंट किससे रिप्लेस होगा फर्स्ट से, तो फर्स्ट मीन्स फाइनली इस केस में इसको रिप्लेस करने के लिए पहले आपको एक लूप मैनेज करना होगा। लूप के रिस्पेक्ट में बात करना है तो लूप के अंदर आपको टोटल 2 इंडेक्स मैनेज करनी जरूरत, मीन्स आप इस केस में एक्सेस क्या करना चाहते हो फर्स्ट एलिमेंट एज वेल एज लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को सब मीन्स फर्स्ट एलिमेंट समथिंग आई, आई को सेट कहाँ करेंगे फर्स्ट एलिमेंट पर, एक और वेरिएबल यूज करेंगे जब जे, जे को सेट किस पर करोगे जस्ट लास्ट कैरेक्टर लाइक दैट, देन इस केस में स्वैपिंग किसके बिटवीन होगा, स्वैप अप्लाई किसके लिए करोगे ए ऑफ आई, मीन्स ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो वाला एलिमेंट स्वैप किसके साथ हो जाएगा ए ऑफ फोर, ए ऑफ फोर मीन्स ए ऑफ जे, मीन्स यहाँ स्वैपिंग किसके बिटवीन होना है बिटवीन ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे। फर्स्ट टाइम आई के केस में बात करें तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहेगा आई एंड जे, फर्स्ट टाइम आई में क्या असाइन कराओगे जीरो, और जे में क्या असाइन कराएंगे लास्ट कैरेक्टर, लेकिन लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स आपको ऑलरेडी थोड़ी पता होगा, लास्ट कैरेक्टर का पोजिशन किसके बेस पर आएगा, इस स्ट्रिंग के केस में इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है 5, और लास्ट सिंबल का या लास्ट एलिमेंट का जस्ट इंडेक्स क्या हुआ लेंथ माइनस 1, तो जे में क्या असाइन कराएंगे करंटली 4 मीन्स लेंथ माइनस 1, आई का इनिशियलाइजेशन किससे होगा 0 से,
और जे का इनिशियलाइजेशन किससे करा, वो लेंथ माइनस वन। तो अगेन आपको कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेटिंग लेंथ ऑपरेशन। लेंथ ऑपरेशन के लॉजिक्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली राइट डन करूंगा। या फिर लेंथ आप अगर सेपरेटली एज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, सेम यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कॉल करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, जस्ट फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस प्लेस पर स्वैपिंग किसके बीच में हो रहा है, ए ऑफ जीरो एंड ए ऑफ फोर। जैसे ये स्वैप में ऑपरेशंस कंप्लीट होंगे, जस्ट ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, ई, एंड ई के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, ए। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अब स्वैपिंग किस में कराना है, बी और डी के बीच में। बी का इंडेक्स क्या है, वन। तो बी के इंडेक्स के लिए जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, आई प्लस प्लस। तो आई का करंट वैल्यू जीरो, तो नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। तो नेक्स्ट टाइम आई किस प्लेस पर सेट होगा, नेक्स्ट एलिमेंट। देन इस आई को स्वैप किससे कराना, जे के प्रीवियस एलिमेंट से। तो जे के प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, थ्री। तो जे के रिस्पेक्ट में क्या परफॉर्म कराएंगे, आई के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन कौन सा, आई प्लस प्लस। और जे के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन कौन सा, जे माइनस माइनस। तो जे में माइनस माइनस करें, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री। नेक्स्ट टाइम जे किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड इंडेक्स। तो नेक्स्ट टाइम आई के प्लेस भी अगेन जब स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, देन आई के सॉरी आई का वैल्यू क्या है, वन। तो इस प्लेस पर इस केस में स्वैपिंग किसके बीच में होगा, ए ऑफ वन एंड जे के प्लेस पर क्या जाएगा, थ्री। ए ऑफ वन एंड ए ऑफ थ्री, ए ऑफ वन के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, ए ऑफ थ्री विच इज डी। और ए ऑफ थ्री के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, बी। क्लियर। नेक्स्ट टाइम फिर से स्वैपिंग इसके बीच में कराएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट। तो आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। जे में माइनस माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑल्सो टू। तो मीन्स अब करेंटली आई और जे सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट को इटसेल्फ आपको स्वैप कराने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इस केस में फाइनली कंडीशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या था, जीरो, और जे का वैल्यू मीन्स प्रीवियस केस में आई का वैल्यू ऑलवेज क्या था, लेस देन जे, लेकिन इस केस में आई का वैल्यू क्या, इक्वल्स टू जे। मीन्स इस केस में कंडीशन क्या बना लोगे, कब तक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जब तक आई का वैल्यू जे से छोटा है। क्लियर। फाइनली इस केस में फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या यूज करेंगे, फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस ऑफ सेम स्ट्रिंग। जस्ट रिटर्न टाइप यूज करोगे एज अ कैर स्टार, फंक्शन नेम वी आर यूजिंग एज रिवर्स। देन आर्ग्यूमेंट में पास क्या करोगे, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन कैरेक्टर पॉइंटर। देन इस केस में टू एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करेंगे, आई एंड जे, इंटीजर आई, और आई के केस में बात करें आई एंड जे। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट लूप कहाँ से स्टार्ट करो, लूप के अकॉर्डिंग आई का इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है, जीरो से, और जे का इनिशियलाइजेशन किससे होगा, लेंथ माइनस वन। तो आई में क्या आसान करा देंगे, आई इक्वल्स टू जीरो, और जे में क्या आसान कराओगे, जो भी स्ट्रिंग एस है उस स्ट्रिंग के केस में मीन्स जस्ट आसान क्या होगा, लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग एस माइनस वन। इस केस में स्ट्रिंग का लेंथ फाइव था, क्यों, कैरेक्टर कितने है, फाइव। फाइव माइनस वन जस्ट आसान क्या हो जाएगा, फोर। मीन्स ये डायनेमिक लॉजिक प्रोवाइड करो, न कि स्टैटिक। नेक्स्ट वन कंडीशंस, तो कंडीशन क्या जाएगा, जस्ट ऑपरेशंस कब तक परफॉर्म होना चाहिए, जब तक आई का वैल्यू जे से छोटा है। नेक्स्ट वन आई के रिस्पेक्ट मत करें, तो आई के लिए ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा, आई प्लस प्लस। जे के रिस्पेक्ट में बात करें, तो जे के लिए ऑपरेशन कौन सा है, जे माइनस माइनस। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको इस फंक्शन बॉडी के सॉरी लूप के बॉडी पार्ट में परफॉर्म क्या कराना, स्वैपिंग बिटवीन ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे। स्वैपिंग की बात करें, तो स्वैपिंग आप डायरेक्टली विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी राइट डाउन कर सकते हो, और यूजिंग थर्ड वेरिएबल मीन्स आपकी चॉइस है, आप कैसे भी स्वैपिंग परफॉर्म करा सकते हो। स्वैपिंग के लॉजिक्स में ऑलरेडी सेपरेटली बता चुका हूँ यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो इस केस में अगर आपको स्वैपिंग परफॉर्म करा हूँ, स्वैपिंगली मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर रहा हूँ एज अ वेरिएबल का टाइप लोगे कैरेक्टर टाइप, क्योंकि एलिमेंट किस टाइप के स्वैप हो रहे हैं, कैरेक्टर टाइप यूज किया उन्होंने, समथिंग कैर टी। तो टी के केस में आसान क्या कराएंगे, ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई के केस में आसान क्या कराओगे, ए ऑफ जे। ए ऑफ जे में अगेन क्या आसान हो जाएगा, वैल्यू ऑफ टी, देन फिनिश दिस ऑपरेशन। फिर जो भी स्ट्रिंग आप रिवर्स करना चाहते हैं, उसका एड्रेस किसके पास है, एस के पास। तो स्ट्रिंग के कंटेंट्स रिवर्स हो चुके हैं, अभी भी एस सेम स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। देन फाइनली से रिटर्न क्या करा हुआ है, लूप के बाद रिटर्न एड्रेस ऑफ सेम स्ट्रिंग, रिटर्न एस। दिस इज द कंप्लीट लॉजिक्स अबाउट रिवर्स ऑपरेशन। आप चाहो तो इसको टेस्ट कर सकते हो,
यूजिंग गिवन टेस्ट केस, मीन्स एक सिंगल केस में आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन साइड बॉडी ऑफ मैन, जस्ट मैं डायरेक्टली मैन के रिस्पेक्ट में लॉजिक एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, मैन के जस्ट टॉप में ऑलरेडी क्रिएट क्या कर चुके हैं, रिवर्स फंक्शन। इस केस में स्पेशली याद रखना लेंथ फंक्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ सेम, या तो आप इस प्लेस पर मीन लेंथ फंक्शन इससे पहले एक और फंक्शन क्रिएट कर लो वो लेंथ, अदरवाइज लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फिर से आपको लॉजिक स्टार्ट करने की जरूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, वॉइड मैन केयर ए इक्वल्स टू जस्ट कंटेंट्स एज ए बी सी डी ई, एग्जैक्टली सेम केस। देन रिवर्स करने के लिए जस्ट फंक्शन कौन सा कॉल करोगे, इस केस मैंने कॉल किया फंक्शन नेम इज प्रिंट एफ परसेंट एस, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है स्ट्रिंग, इसलिए मैं कॉल क्या कर रहा हूँ इन साइड डायरेक्टली प्रिंट एफ, फंक्शन का नेम क्या है रिवर्स, लेकिन स्पेशली याद रखना रिवर्स के अंदर मैं पास क्या कर रहा हूँ ए पास न करके उन्हें जस्ट पास कर दिया इस केस में ए प्लस वन, देन चेक करें इसका बिहेवियर क्या रहेगा, सप्लाई क्या किया उन्हें जस्ट ए प्लस वन, मीन्स आप अगर आपको विजिबल नहीं हो आप नोट डाउन कर सकते हो रिवर्स, रिवर्स के अंदर मैंने पास किया जस्ट ए प्लस वन लाइक दैट रिवर्स ए प्लस वन। तो ए प्लस वन के केसेस में जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा इस एरे का बेस एड्रेस, जैसे ये एरे क्रिएट होगा इनसाइड मेमोरी एरे के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर क्रिएट हो रहे हैं 6, एड्रेस है 100 101 102 103 104 105, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है इसको स्किप मत करना। नेक्स्ट वन, ए के केस में एलिमेंट्स क्या हैं ए बी सी डी ई देन नल, क्लियर, इसे एरे का नेम क्या है एज ए, लोकेशंस क्या हो जाए इस केस में स्टार 100 स्टार 101 स्टार 102 स्टार 103 स्टार 104 एंड स्टार 105। रिवर्स में पास किया मैंने एज ए प्लस वन, तो ए के केस में ए का बेस एड्रेस क्या है 100, पास क्या हो रहा है इस केस में 100 प्लस वन मीन्स पास क्या हो रहा है इसके अंदर 101, अगर आप 101 पास करो देन स्ट्रिंग किस प्लेस से रिवर्स होना स्टार्ट होगा फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स, मीन्स इस केस में ए एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कंसीडर नहीं हो, सिंपली स्किप हो जाएगा। ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में ओनली बी सी डी एंड ई, जैसे इसका डायग्राम आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन, इस पर्टिकुलर कॉलिंग के अकॉर्डिंग फिर से मैंने नेक्स्ट टाइम अगेन मैंने प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले कराया ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट एफ डायरेक्टली ए, पहले चेक करेंगे रिवर्स कंटेंट देन ओरिजिनल स्ट्रिंग्स। जैसे इस केस में फंक्शन कॉल होगा इस फंक्शन के अंदर टोटल 4 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, पॉइंटर वेरिएबल एस टी आई जे, तो कितने वेरिएबल्स क्रिएट कराने की जरूरत है इस केस में 4 वेरिएबल्स, पॉइंटर वेरिएबल एस टी आई एंड जे, क्लियर। एस के केस में एड्रेस क्या आसान हुआ 101, तो इस केस में एक लोकेशन क्रिएट होगा लाइक दैट एस जीरो एस वन एस टू लाइक दैट, व्हाट इज द लोकेशन एस जीरो, एस जीरो किस लोकेशन का नेम हुआ, जस्ट इसको पॉइंटर के फॉर्म में रिजॉल्व कर लो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा एस प्लस जीरो, और एस में क्या आसान हुआ 101, देन फाइनली इसका मीनिंग क्या हुआ 101 प्लस जीरो मीन्स स्टार 101, स्टार 101 लोकेशन का अदर नेम क्या हो जाएगा एस के रिस्पेक्ट में एस जीरो, इस प्लेस का नेम क्या हो जाएगा एस वन, मीन्स इस ए के रिस्पेक्ट में इस प्लेस का नेम क्या ए जीरो ए वन ए टू, लेकिन एस के रिस्पेक्ट में एस जीरो किस प्लेस से स्टार्ट होगा फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स, ये सारे केस भी मैंने जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में सोल्व कराए थे एस थ्री एस फोर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद जब लूप सॉरी 3 अदर वेरिएबल्स क्रिएट हुए टी आई जे, जैसे ही लूप स्टार्ट हुआ तो लूप के अंदर आई में कैसा हो जाएगा वैल्यू एस जीरो, जे में कैसा हो जाएगा लेंथ ऑफ एस, एस मीन्स गिवन स्ट्रिंग, अगेन इस केस में याद रखना इस केस में लेंथ फंक्शन में क्या पास होगा एस, और एस के अंदर क्या 101, तो लेंथ भी किस प्लेस से काउंट होना स्टार्ट होगा फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स, 101 ऑनवर्ड्स कितने कैरेक्टर है 1 2 3 4, तो इस प्लेस पर क्या जाएगा 4 4 माइनस 1 इज 3, तो जे में क्या आसान हो जाएगा करंटली एस थ्री, क्लियर। लेंथ के केस में जस्ट मैंने प्रीवियस केस में लॉजिक प्रोवाइड किए थे, मैं लेंथ फंक्शन फिर से राइट डाउन कर देता हूँ, लेंथ के केस में रिटर्न टाइप क्या था जस्ट इंटीजर, फंक्शन नेम एज लेंथ, जस्ट लेंथ फंक्शन इससे पहले आप क्रिएट कराओ या फिर इसका सिग्नेचर पहले प्रोवाइड कर देना कैर स्टार पी एस एनी थिंग
देन इंटीजर आई, सिंपल लॉजिक्स थे इसके फोर, आई इक्वल्स टू जीरो, देन कंडीशन में क्या पास किया था मीन्स जब तक पी ऑफ आई के अंदर नल नहीं आता तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, आई प्लस 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 इसको टर्मिनेट कैसे किया है स्पेशली सेमी कॉलन से, लूप के बाहर है बॉडी के बाद जस्ट रिटर्न क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ आई, दिस इज द लॉजिक्स ऑफ लेंथ फंक्शंस। नेक्स्ट वन फाइनली लेंथ क्या है इसके इसमें फोर, फोर माइनस वन इज थ्री। नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट हुआ तो कंडीशन क्या है आई लेस देन जे, आई लेस देन जे, आई का वैल्यू क्या है जीरो और जे का वैल्यू क्या है थ्री, क्लियर। देन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन टी के केस में टी में क्या आसान हो जाएगा ए ऑफ आई का वैल्यू और आई का वैल्यू करंटली क्या है जीरो, तो इस केस में इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ ए ऑफ जीरो, ए ऑफ सॉरी यानी टाइप मिस्टेक किया, इस पॉइंटर का नेम एस है तो इसलिए इस प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे एस इन ऑल प्लेसेस, एस एस एस, क्यों ये क्या है एज है लोकल वैल्यू ऑफ मैन, ए को डायरेक्टली स्पेस पर एक्सेस करना पॉसिबल नहीं, पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कराएंगे। देन एस ऑफ जीरो, एस ऑफ जीरो में क्या स्टोर है, एस ऑफ जीरो किस लोकेशन का नेम दैट वन मीन्स क्या स्टोर है बी, तो स्पेस पर जस्ट आसान क्या हुआ बी और बी किस में आसान हो जाएगा वेरिएबल टी के अंदर और आस की वैल्यू ऑफ बी। देन एस ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है जीरो, एस ऑफ आई में क्या आसान हो जाएगा एस ऑफ जे का वैल्यू और एस ऑफ जे क्या है इसके इसमें जे के प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट जे का वैल्यू थ्री इसे एस ऑफ थ्री और एस ऑफ थ्री में क्या स्टोर है ई, तो ई किस में कॉपी हो जाएगा एस जीरो पोजिशन में, नाउ दिस वन इज रिप्लेस्ड बाय ई, लेकिन एस ऑफ जीरो का वैल्यू अभी भी किस में अवेलेबल है वेरिएबल टी के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम टी का वैल्यू क्या है बी क्योंकि आसान किस में जाएगा एस जे में और एस जे में जे का वैल्यू क्या है करंटली थ्री, तो बी किस पोजिशन में आसान होगा थर्ड इंडेक्स में मीन्स ई के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा बी। वन मोर केस, इस केस में ए एट सेल्फ रिवर्स हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि ए का एड्रेस पास नहीं किया, एड्रेस किस प्लेस से पास किया 101 से, तो रिवर्स ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा ऑल्सो फ्रॉम 101। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, जे प्लस प्लस सॉरी जे माइनस माइनस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा टू। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन में आई के प्लेस पर पुट करेंगे आई का वैल्यू वन और जे के प्लेस पर पुट करें जे का वैल्यू टू, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से सेम ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे मीन्स अब आई के प्लेस पर आई का वैल्यू क्या है वन, इसे एस ऑफ वन आसानी के समझ जाएगा टी में और एस ऑफ वन में स्टोर क्या है कैरेक्टर सी जो कि कॉपी किस में जाएगा टी के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट वन सिमिलरली एस ऑफ आई में कैसा हो जाएगा एस ऑफ जे, आई क्या है वन और जे क्या है टू, एस ऑफ टू में करेंटली क्या स्टोर है एस ऑफ टू मीन्स दैट प्लेस क्या स्टोर है डी, ये डी किस में कॉपी होगा एस वन में, एस वन मीन्स दैट प्लेस मीन्स इस प्लेस पर कॉपी क्या हो जाएगा डी। सिमिलरली जे का वैल्यू क्या है करंटली टू, तो एस ऑफ टू में क्या आसान हो जाएगा टी का वैल्यू, टी में क्या स्टोर है सी, तो सी कहाँ आसान हो रहा है एस टू में, एस टू का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट सी, मीन्स स्ट्रिंग के कंटेंट्स रिवर्स हो चुके हैं लेकिन रिवर्स ओनली कितने हुए लास्ट फोर कैरेक्टर, ए इटसेल्फ रिवर्स हुआ है क्या नहीं। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स टू, जे माइनस माइनस जे बिकम्स वन, कंडीशन टेस्टिंग आई का वैल्यू क्या करंटली टू, जे का वैल्यू क्या वन, ट्रू और फॉल्स, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, फॉल्स है कंट्रोल बाहर आएगा रिटर्न क्या हो रिटर्न एस, चेक कर सकते हो एस में अभी भी क्या स्टोर है 101, एक कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या करेगा 101 मीन्स जिस प्लेस पर इस फंक्शन को कॉल किया गया था इस प्लेस पर जस्ट रिटर्न क्या करेगा 101 रिटर्न होने के जस्ट बाद प्रिंट एफ का वर्किंग क्या डिस्प्लेइंग गिवन मैसेज, डिस्प्लेइंग गिवन मैसेज, तो पर्टिकुलर मैसेज किस प्लेस से रीड करना स्टार्ट करें फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स, 101 में क्या ई देन रीड किया हुआ डी देन रीड किया हुआ सी देन बी, जैसे इसको नल मिल जाएगा प्रिंट करना स्टॉप कर देगा, तो इस केस में प्रिंट फर्स्ट प्रिंट एफ के केस में मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा जस्ट ई डी सी बी, क्लियर, कि अभी बी के बाद क्या नल। नेक्स्ट वन लेकिन अभी एरे ए की बात करें, ये एरे ए अभी भी किसको रिप्रिंट करा है 100 एड्रेस को, नेक्स्ट टाइम मैंने प्रिंट एफ में पास किया ए और ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस हुआ ए का बेस एड्रेस और ए का बेस एड्रेस अभी भी क्या है 100, तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा कैरेक्टर किस प्लेस से प्रिंट होना स्टार्ट होना फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड और 100 में क्या फाउंड हो रहा ए। नेक्स्ट वन ई देन
डी देन सी देन बी, और बी के जस्ट बाद क्या नल देन रीड करना स्टॉप कर। दिस इज द बिहेवियर ऑफ रिवर्स फंक्शन रिगार्डिंग गिवन इनपुट वैल्यूज।